हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू का एक और ज़बरदस्त और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सुबह शाम की चाय के साथ या फिर जब छोटी मोटी पार्टी हो तब बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे हम बनाएंगे ब्रेड से। तो एक रेसिपी बनाकर ये ब्रेड मेरा बच गया था, तो इसी से मैं बनाऊँगी। और इसके जो एजेस है इसी को लेंगे हम, इससे भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास एक दिन पुराना ब्रेड हो तो भी यूज़ कर सकते हो, या फ्रेश ब्रेड हो तो भी इसे यूज़ कर सकते हो। बस इसे तोड़ लेंगे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब ले लेंगे एक मिक्सी जार और इन सब ब्रेड के टुकड़ों को मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे और इसे दो से तीन बार मिक्सी जार में घुमा लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी चंक्स ना रहे और ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्सी जार में पीस लिया है और ये इस तरह से पाउडर बन गया है। तो अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम ये ऐड कर लेंगे। और नाश्ते को ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो चम्मच बारीक सूजी ऐड की है, साथ ही साथ दो चम्मच यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने दो उबले हुए आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। ऐड कर लेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे एक चौथाई चम्मच अजवाइन, साथ ही साथ आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर आपके पास कुटी हुई ना हो तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे, उसके बाद आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ एक चौथाई चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। बहुत ही लिमिटेड मसाले ऐड कर रहे हैं हम। आधा चम्मच डाल दिया है आमचूर पाउडर, अगर आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला ऐड करिए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए और इसका जो टेस्ट है एक दूसरे में आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इन सभी को मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे कुछ वेजिटेबल्स, दो से तीन चम्मच कैप्सिकम ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ, एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लिया है मैंने, पत्ता गोभी को ऐड कर लिया है, तीन से चार चम्मच बारीक कद्दूकस किया हुआ, और टमाटर एक छोटा सा ऐड किया है इसका बीज निकाल कर, तीन मैंने हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर ऐड कर लिया है, आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ऐड कर लिया है, और एक मुट्ठी धनिया। धनिए से इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी एनहेंस होगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अदरक और अजवाइन को स्किप मत करना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। नमक हमने ऐड कर लिया है और नमक ऐड करने से सब्जी अपना पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये एक डव फॉर्म में आ जाए। सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ दी है, इसके लिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। आलू बाइंडिंग का काम करेगा। तो इसे मैंने मिलाते हुए एक डव बना लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस मिक्सर में से थोड़ा सा मिक्सचर हम ले लेंगे और इसको एक गोलाई में बना लेंगे इस तरह से। आप इसकी बड़ी छोटी और पतली मोटी कैसे भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की टिक्की बना रही हूँ। इसको इस तरह से गोलाई में बनाकर थोड़ा सा चपटा कर लेना और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके एजेस को फिनिशिंग दे देना है इस तरह से, देखिए। और ये देखिए, हमारी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से हम सभी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैंने बना लिया है और अब चलते हैं इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और तेल को पहले गर्म करके हाई हीट पे उसे मीडियम कर दिए हैं। और अब जो टिक्की हमने बनाई है उसको वन बाय वन ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो टिक्की ऐड करते हुए तुरंत टच नहीं करना है, जब ये एक साइड से पक जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, तभी हम इसके साइड्स को चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और गोल्डन कलर आ गया है। एक साइड से ये टिक्की पक गई है, फ्राई हो गई है, तो हम इसके साइड्स को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड्स को भी
एक से डेढ़ मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी इसकी फ्राई हो गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे एक छन्नी में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा कुछ निकल जाए। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से ये हमारा ब्रेड आलू का नाश्ता तैयार हो गया है और इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हो टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।